नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस. हमें क्या बताना है रिवर्सिबल प्रोसेस का कौन सा एग्जाम्पल सही है दैट वी हैव टू गेट. मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ फ्रिक्शन लेस ट्रैक. मूवमेंट हो रहा है फ्रिक्शन लेस ट्रैक पे तो सही बात है. रिवर्सिबल प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जो क्या हो, जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे हो हर पॉइंट पे. और दूसरा बात क्या बोलते हैं, अगर मैंने किसी भी पॉइंट पे उस रिवर्सिबल प्रोसेस का डायरेक्शन रिवर्स किया तो जो सारी प्रॉपर्टीज हमने चेंज करी थी वो एग्जैक्टली क्या आ जाएंगे हमारे पास, सेम आ जाएगी. यानी एग्जैक्ट पाथ रिवर्स हो जाएगा कीपिंग द फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, जहां पे कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, जहां पे कोई भी किसी भी फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, यानी कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लिबरेट नहीं होगी, ठीक है. तो वहां पे कौन सा एग्जाम्पल आएगा हमारा रिवर्सिबल. यानी मैंने अगर बोला कि वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड या कोई भी चीज ग्राउंड पे जा रही है, अगर वो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन में क्या होगा, कुछ एनर्जी का लॉस होगा. यानी अगर मैंने उसका पाथ रिवर्स किया तो वो एनर्जी तो वापस हम नहीं ला सकते ना, एनर्जी लॉस तो वहां पे हो रहा है. सो दैट मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने बोला रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन, वो सब कैसी एग्जाम्पल होती है, इरिवर्सिबल की एग्जाम्पल होती है, ठीक है. तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. बाकी जो तीनों प्रोसेस है वो कैसे है हमारे पास, इरिवर्सिबल है. क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा हर प्रोसेस में, यानी उसको सेम हम रिट्रैक्ट उसका पाथ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो चेंज हो जाएंगे.